भी उनको बीमारी पकड़ती रहती सुबह कुछ और बोलते दोपहर कुछ और बोलते हैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाता है देखा मर्यादित भाषा वो आदमी बोलता है कि जिसके पास मर्यादा का कोई, कोई ख्याल नहीं है इस बटन दबाने से मेरी को मेरी माँ के कोख में बीमारी पैदा होता है बटन छूना बंद कर दो अब कहा जमाने जाएंगे साइकिल को भैया तो इनकी बात का वैलू तब जब जा लेके आए जीत के आए तब उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है ऐसे में संजय निषाद कल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर आए हैं और उनके चेहरे पर एक अलग खुशी है हमारे साथ खुद संजय निषाद जी हैं संजय जी ये खुशी का क्या राज है क्या सहमति बनी है सीटों को लेकर देखिए जब से निषाद पार्टी आई है निर्मल इंडियन हमारा अंदर इसका उद्देश्य है कि जो सत्ता के शिकार हैं वो निर्बल हैं जो हिस्सेदार हैं वो सबल हैं तो जो निर्बल ने थे उनके अंदर हम पॉलिटिकली ट्रेनिंग शुरू की कि उन्हें जो पोलिटिकली बेहोश थे उन्हें होश मिलाया अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अवसर मिला है कि चुनाव लड़के दो हजार में जब कभी राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तो राम राज आया था तो फिर 2022 की कैबिनेट में निषाद पार्टी पहुंचेगी और फिर रामराज लाने की तैयारी चल रही इसमें हमारे कार्यकर्ता हमारे समाज के लोग खुश आए इसलिए दो में जो सीट थी इन्होंने तैयारी की थी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो सात साल से वो सीट जीतने की सिस्टम में है इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसे उन्हें उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी दे रही वो है वो पंद्रह से लेके पंद्रह से लेके सत्रह सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उसे हमारे कार्यकर्ता इससे खुश हैं कि जो वो तैयारी की थी वही उन्हें मिल रहा लगभग इसलिए इसलिए सारे लोग मिलकर 2022 की सरकार बनाए यानी भाजपा की रणनीति से संतुष्ट हैं निश्चित रूप से संतुष्ट हैं वो बड़े भाई हम लोग छोटे भाई हैं जहाँ कुछ भी रहता है बैठ के हम लोग समझते हैं और जैसे भाई हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं उनको कहते हैं भाई जिसके सामाजिक मुद्दे के लिए मैं आया हूँ तो मैं तो प्रधानमंत्री मन से बोलता हूँ भैया हमारे सामाजिक हमारे समाज के सत्यानाश किया पिछली सरकारों ने गुमराह किया ठगा उन्हें धोखेबाजी की ये दिक्कतें हैं संविधान में बहुत समस्याएँ हमारे लिए ऑफिसियली त्रुट किया हमारे आरक्षण पर कब्जा कर लिया हम सत्तर लाख गिनती में गिनते गिनते मारते मारते तीन कर दिया है सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कहती है कि सप्पा और बसपा अपने अपने संख्या से सौ गुना ज़्यादा नौकरी कब्जा किए ये हमारे मुद्दे हल होने चाहिए और इसके लिए हमारा समर्थ है हम दिल्ली में मोदी जी से योगी जी से अमित शाह जी से लड़ते रहते हैं मन पर भी अपनी आवाज़ उठाए बैठ के होती है उन्होंने कहा भाई देखो इसे उलझा हुआ सुलझाने का त्वरित का है। अगर त्वरित करते हो तो रुकेगा कोर्ट से अगर आप रुकाऊँ चाहते हो तो प्रॉपर आओ आर को लेटर लिखा आर से बैठक भी है तो ये सामने समस्याएं तो भारतीय जनता पार्टी साथ ही हल हो सकता है इसलिए संतुष्ट हैं राजभर जी कह रहे हैं कि जब 10 10 10 मार्च मार्च होगा मार्च का दिन आएगा बजेगा तो योगी जी की उत्तर प्रदेश से विदाई हो जाएगी 2019 में अलग गए थे ना दो हजार में कहा था हम कोई सीट जीतने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में और एक को सग शायद कहीं जमानत नहीं बची होगी तो ऐसे आदमी की जिसकी जमानत नहीं बचा पाया उसके बातों का क्या जवाब दिया सर कोई ऐसा वैल्यूएबल आदमी हो जिसका कोई वैल्यू हो बातों का है आज के दिन में इससे पहले वही कहते थे ना कि जो सपा और बसपा का जो हाथी और साइकिल बटन दबाएगा वो अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा यही तो उनका आवाज है फिर उसके बाद क्या करते थे कि भाजपा बहुत अच्छी है आगे भी उनको बीमारी पकड़ते रहती सुबह कुछ और बोलते दोपहर कुछ और बोलते हैं सुबह कहीं और खा चाय पीते हैं अखिलेश जी के यहाँ दोपहर का खाना दयाशंकर भाई के यहाँ चले जाते हैं शाम को भाजपा कार्यरत दिखते हैं तो ऐसे आदमी का क्या का, जिसका क्या जिसका न पाव है न जुबान एक जगह ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जा? वो ये भी कह रहे हैं कि जब 10 मार्च होगा 10 बज जाएगा तो संजय निषाद जी इतना रोएंगे कि उनका गमछा भीज जाएगा <laughs> वो तो रो ही रहे हैं बेचारे रो रहे थे कई साल से भारतीय जनता पार्टी, भारती पार्टी के साथ आए उनसे सीट मिली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लगा के उन्हें जिताया मंत्री भी बनाया लेकिन जारी रहे ना, ना कि जब किसी पांडव और कौरवों में इसीलिए गौरव हार गए थे क्योंकि सलाहकार शकुनी मामा थे तो कोई शकुनी मामा मिल गया इनको और इन्हें बर्बाद कर दिया मंत्रालय भी चला गया अब इधर उधर घूम रहे हैं और बस जब उनका अमर्यादित भाषा वो आदमी बोलता है कि जिसके पास मर्यादा का कोई, कोई ख्याल नहीं है और ख्याल उसे नहीं होता जो उसका मस्तिष्क जो है उसका जो संतुलन हो बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थितियों में उनका क्या जवाब दिया जा सकता है वो तो कैसे कौन रोएगा मालूम है चूंकि दो हजार उन्नीस में जब हम सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था अब तो बसपा अलग हो गई है ना बसपा से ज़्यादा वोट तो नहीं है राजभर जी के पास आज के दिन में 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था 2014 में मैं आया हूं 2014 से ही खत्म हो रहे हैं ये तीस साल जितने सपा और बसपा देख रहे हो किस तरह से बुरिया इस इनका बन रहा भाई हमारे लोग जब पंजा बटन छूना बंद कर दिया पंजा खत्म हो गई हाथी छूना बंद कर दिया हाथी देखो गिर के कहाँ चली गई आप साइकिल छूना बंद कर दिया साइकिल हिल नहीं बंद हो गई आखिर ये लोग तो 2014 से जीत रहे हैं ना 2014 भी कह रहे थे हम पूरा पूरा जीतेंगे 2017 भी कह रहे थे जीतेंगे जीते कब थे जब डॉक्टर संजय पीस पार्टी निषाद पार्टी बसपा और सपा एक हुई थी तब हम लोग गोरखपुर फुलपुर केराना नूरपुर हो गए फिर इन लोगों ने वही अपनी नीत नीयत जो है खराब करी कि जो इसने मुख्यमंत्री हराया उसका टिकट न दे है इन्हें पिछड़ा थोड़ी चाहिए आखिर नागेंद्र पटेल पिछड़ा था ना उसका टिकट क्यों काट दिया फूलपुर से तो ये सब सारे चीज़ें हैं 2019 में हम लोग मोदी के साथ खड़े हो गए क्योंकि तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार ही हमारे सामाजिक मुद्दे को हल कर सकती है ये सब लोग रिटायर्ड जज हैं रिटायर्ड जज के पास कौन समाज जाएगा जो आज के दिन वर्तमान जज हैं मोदी जी वर्तमान जज हैं उनके पास कलम है अरे राजू गांधी कहते थे हम सौ रुपया भेजते हैं निन्यानवे रुपया बीच में खा जाते हैं गाँव में पहुंचता है तो कौन था राजू गांधी के साथ तीस साल थे तो सरकार यही लोग चला रहे थे तो निन्यानवे रुपया तो यही लोग खा रहे थे तो जनता जब समझ गई तो कांग्रेस को भी छोड़ दिया इन्हें भी छोड़ दिया तो आज के दिन में जज जो है मोदी जी उन्हें धन्यवाद दिए कि कम से कम जो दिल्ली से रुपया भेजते सीधे पहुंचता है ये लोग थे तो सारी चीनी मिले बेचते थे बेचने में गोरखपुर की जो खाद कारखाना उसका दाम लगाने में 26 करोड़ छब्बीस सौ करोड़ रुपये खा गए थे कम से कम मोदी जी धन्यवाद देंगे कोई चीनी मिल नहीं बिक रही है योगी जी को कि अब चीनी मिलें बन रही हैं लग रही हैं हमारे सामने खादकार कारखाना लग रहा तो आज के दिन में दूसरा पिछड़ों के लिए किसी व्यक्ति की किसी समाज की सुरक्षा नेता नहीं करता लड़ाई लड़ लेता है संघर्ष करता है उसे जगा सकता है लेकिन सुरक्षा उसे आयोग करता है और विकास की मुख्यधारा में आयोग लाता है जैसे अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है दलित चमार भाई के बेटे को कोई रेटे नहीं बोल सकता यही मेरी लड़ाई है कि मजवार नाम से हम लोग भी हैं और न्याय हमें मिलेगा क्योंकि तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से आर का डायरेक्टर आता बैठ के बात करता चल के वहां से वैसे सुनता भी नहीं था सत्तर साल से कलम से मार दिया सत्तर लाख से तीन हजार कर दिया मारते मारते दो हजार ग्यारह तो में हमें उन्नीस सौ इकसठ से लेके तो ऐसी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे आज पिछड़ा वर्ग आयोग बना है तो पिछड़ों का तो वर्ग आयोग जो था वो संविधान से बाहर था तीस साल से सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो पिछड़े वर्ग आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिया गया संवैधानिक दर्जा तो मोदी ने दिया अगर संवैधानिक दर्जा मोदी ने दिया है पिछड़ा वर्ग आयोग तो तो जितने पिछड़े हैं उनकी सुरक्षा आयोग करेगा उसमें जो कोई विसंगति होगी दो में जीतने के बाद उसे दुरुस्त किया जाएगा फिर उसको दायरे में लाया जाएगा उसमें कानून में परिवर्तन किया जाएगा सुरक्षित किया जाएगा जो लोग उसमें भ्रष्टाचारी होंगे बेमान होंगे हटाया जाएगा दिक्कत क्या है ये लोग बड़े आराम से सत्तर साल से जो मलाई खाने वाले हैं दो तीन लोग तरह के लोग हैं वो ने समस्या है बाकी जब चूंकि सबको मिल रहा है बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है इनके यहाँ क्या होता था कि अगर इनके यहाँ पर्ची जाता था पुलिस में भर्ती होने के लिए क्योंकि आप देखो विभागों में कि हाथी के समय हाथी की भर्ती साइकिल के समय साइकिल की, की भर्ती विभागों में पड़े हुए हैं इसके मतलब हाथी का बटन दबते हाथी वाले के माँ के कोख में हाकिम पैदा करने की शक्ति आ गई साइकिल वाले के मां के कोख में साइकिल बटन दबते उनके वहां दरोगा एस पी आई पैदा कर निक सकते आगे बाकी जातियां कहां चली गई उनके मां के कोख में बीमारी हो गई तो मेरे जब जान गए करे यार इस बटन दबाने से मेरी कोख में मेरी मां के कोख में बीमारी पैदा होता बटन छूना बंद कर दो अब कहा जमाने जाएंगे साइकिल को भैया क्योंकि साइकिल दबते उनके माँ के कोख से निकले इनके माँ के कोख से तो कोई नहीं निकलने वाला ना तो ये जातियाँ क्यों बटन दबाएंगी इसलिए दो में ये सारे लोग जान गए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर कि सत्ताइस पर कैसे डाका डाला गया, पर कैसे डाका डाला गया अगर इसलिए बाईस की सरकार बनाई जी आखिरी सवाल है भाजपा में लगातार उठक पठक जारी है कई मंत्री विधायक इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की तरफ पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि भाजपा में दलित और पिछड़ों के साथ उपेक्षा की गई है आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर उपेक्षा ऐसे लोगों की गई है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हैं। इनके पास मुंह था मंत्री थे दायित्व थे क्यों नहीं आवाज उठाया क्या आपने उन, जिनकी बात कर रहे हैं उनका कभी सम्मेलन किया कभी उन्हें लाया कभी धरना प्रदर्शन किया कभी उनके लिए कोई एक ठो पन्ना लिया कोई मेमोरेंडम दिया कभी प्रतिनिधि मंडल मिला प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी हम आपके यहाँ मंत्री हैं हमारे समाज के लोग के साथ अन्याय हो रहा है आप करिए डॉक्टर संजय तो मिलते हैं ना प्रतिनिधि मंडल लेके हम तो लेटर लिखते रहते हैं साहब अन्याय हो रहा है सुधारिए और मीटिंग भी होती रहती है ये तो पाँच साल जब मतलब जब इन्हें चुनाव आयोग आचार संहिता लगने के बाद न आप मंत्री हो ना विधायक हो खत्म हो अगर मंत्री विधायक तब हो जब जनता फिर से वोट दे दे तब तो इनकी बात

यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इन